नमस्कार मित्रों, एलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग फेक न्यूज से रिलेटेड, फेक जो फेक न्यूज होते हैं उनको, उनके चेक फैक्ट से रिलेटेड एक बॉम्बे हाईकोर्ट का डिसीजन को हम देखेंगे। क्यों यह चर्चा में है, इसके क्या निहितार्थ है और किस नियम को इन्होंने बदलते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस डिसीजन को दिया है, इसकी पूरी पृष्ठभूमि को समझते हुए हम इससे संबंधित उन तमाम विधियों और नियमों को अपने इस वीडियो सेशन में सम्मिलित करेंगे। आइए बात करते हैं फेक न्यूज नियम को बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्यों खारिज किया। जो फेक न्यूज होते हैं, फेक न्यूज मतलब झूठे समाचार, उसके जो नियम है उसको क्यों बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्या कारण रहे होंगे, वह कौन सा नियम है, आइए इन तमाम मुद्दों पर हम बात करते हैं। न्यूज फैक्ट चेक नियम हुआ खारिज, फेक न्यूज फैक्ट चेक नियम हुआ खारिज। चर्चा के बिंदु में हम बात करेंगे, खबर क्या है, चर्चा में क्यों है, इसकी पृष्ठभूमि को समझेंगे। उसके बाद क्या कहा बॉम्बे हाईकोर्ट ने, बॉम्बे हाईकोर्ट के डिसीजन के बारे में भी हम जानेंगे और पीआईबी और एफसीयू फेक चेक यूनिट क्या है, फैक्ट चेक यूनिट क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट 2023 का संशोधित नियम, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सभी बिंदुओं पर आइए हम बात कर लेते हैं। खबर चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2021 के आईटी नियमों को के उस प्रावधान को खारिज कर दिया है जिसमें पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट एफसीयू को सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2023 के तहत मान्यता दी गई थी। मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह जो 2021 में आईटी नियम है उसके प्रावधानों में जो पीआईबी की एफसीयू फैक्ट चेक यूनिट वाली जो स्थितियां थी उसको खारिज कर दिया गया है। केंद्र तथ्य जांच इकाई के रूप में मान्यता दी गई थी, फैसला 2-1 के बहुमत से हुआ है। यह जो 3 जजों की बेंच थी उसमें 2 ने पक्ष में फैसला सुनाया और 1 विपक्ष में फैसला सुनाया, इसलिए यह पूरा मामला चर्चा में आ गया है। भूमि को समझते हैं कि थोड़ा और क्लियर हो पाते। तो इसके पृष्ठभूमि को समझते हैं तो अप्रैल 2023 की बात है। अप्रैल 2023 में जो भारत सरकार का MEITI मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय मतलब आईटी मतलब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आईटी का जो नियम था 2021 में संशोधन जारी कर दिया। जो आईटी अधिनियम 2021 था उसमें संशोधन जारी किया गया कब, 2023 में, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय द्वारा, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, ये जो मिनिस्ट्री थी इसने क्या कर दिया, इसमें संशोधन कर दिया। और क्या इस संशोधन के तहत ला दिया गया, संशोधन के तहत यह आ गया कि सरकार को इसके निर्धारण की शक्ति दे दी गई। सरकार यह निर्धारित करेगा कि यह सूचना फैक्ट है या फेक है, तो सूचना सही है अथवा नहीं, इसके लिए एफसीयू का गठन कर दिया गया। अब कोई भी सूचना जैसे आएगी, कोई भी न्यूज आएगी, वह सही है या गलत है, इसके लिए एफसीयू के गठन का प्रावधान कर दिया गया। एफसीयू मतलब फैक्ट चेक यूनिट, इसका क्या फैक्ट है, फैक्ट है उसको चेक करने के लिए एक इकाई बना दी गई, उसका एक गठन कर दिया गया। एफसीयू जो फैक्ट चेक यूनिट है वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी कंटेंट को फर्जी, गलत या भ्रामक रूप में चिन्हित करने का अधिकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कंटेंट हटाने का आदेश दे देगा। अगर एफसीयू कोई भी समाचार, न्यूज है, चाहे वह सोशल मीडिया पर है, भ्रामक है, भ्रम फैलाने वाला है, गलत है, असत्य है, तो उसको चेक करेगा और गलत होगा तो उसको हटाने का निर्देश दे सकता है और उसको हटा सकता है, यही इसका अधिकार हो गया था। और यदि फेक न्यूज पर कार्रवाई नहीं तो भारत में काम करने की अनुमति नहीं, सिर्फ हार्बर की शक्ति समाप्त हो गई थी। अगर फेक न्यूज पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप भारत में काम नहीं कर पाएंगे, इसी को सेफ हार्बर की शक्ति को समाप्त कर दिया गया था। अब आइए इस पर हाई कोर्ट का क्या कहना है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्यों इस एफसीयू यूनिट को और इसके तहत जो शक्तियां इसको प्राप्त है इसको क्यों खारिज कर दिया, तो आइए इस पर हम बात करते हैं। जो हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट था तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय में निम्नलिखित प्रमुख बिंदु निहित थे। बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय में प्रमुख बिंदु निम्नलिखित थे जिसमें बताया संवैधानिक उल्लंघन की बात कर रहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल
लॉ है उसका उल्लंघन हो रहा है। अब किस तरह का उल्लंघन हो रहा है, तो जो हमारे मूल अधिकार है अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 एक ए, अनुच्छेद 19 एक जी का उल्लंघन किया गया है और स्पष्ट और भ्रामक शब्दों को इसमें शामिल कर दिया गया है। फैसले में यह भी कहा गया है कि नकली झूठा या भ्रामक जैसे शब्द अस्पष्ट और अति व्यापक है, मतलब यह जो शब्द दिए गए हैं कि झूठा नकली भ्रामक जैसे अस्पष्ट और अति व्यापक शब्द हैं और नागरिकों को केवल सत्य जानकारी प्राप्त कराना राज्य की भूमिका नहीं है। ऐसा नहीं है कि नागरिक जो है उनको सही जानकारी ही केवल प्राप्त होगी, यह राज्य का अधिकार नहीं है, राज्य का कर्तव्य नहीं है। इसलिए इसने इस नियम में जो संशोधन हुआ था आईटी नियम 2021 में जो संशोधन करके सरकार ने अप्रैल 2023 में एक नया मसौदा जारी किया था जिसके तहत फैक्ट चेक यूनिट का गठन किया गया था और यह सब काम करती थी, उसको निरस्त कर दिया गया है अभी। और इन्होंने कहा है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि इससे जो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो अभिव्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने की अनुच्छेद 19 की बात कर रहा है, पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जो तथ्य जांच इकाई है FCU फैक्ट चेक यूनिट तथ्य जांच इकाई इसको कहते हैं, कि शक्तियों की साथ में ही साथ आलोचना भी कोर्ट के द्वारा की गई है। राज्य द्वारा भाषण को सत्य या असत्य के रूप में वर्गीकृत करना और इसे प्रकाशित न करने के लिए बाध्य करना सेंसरशिप के समान है। और साथ ही साथ बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहा है कि अगर किसी ने भाषण दिया, उस भाषण को सत्य और असत्य के रूप में प्रकाशित करना और उसको प्रकाशित न होने देना, यह एक सेंसरशिप जैसा है। इन्हीं सब मुद्दों को बताकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो आईटी नियम 2021 में संशोधन करके 2023 अप्रैल में FCU के गठन का प्रावधान कर दिया गया था, उसको शक्तियां दे दी गई थी, उसको खारिज कर दिया है। PIB FCU जो PIB है उसकी फैक्ट चेक यूनिट की बात करते हैं। PIB मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जिसको प्रेस सूचना ब्यूरो कहा जाता है, कि फैक्ट चेक यूनिट की स्थापना 2019 में की गई थी। ऐसा नहीं है कि संविधान के निर्माण के बाद ही इस प्रकार की संस्थाओं का गठन किया गया, नहीं, जो प्रेस सूचना ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट है उसकी स्थापना वर्ष 2019 में की गई थी और मुख्य रूप से सरकार से संबंधित फर्जी खबरों और भ्रामक सूचनाओं को खंडन करने के लिए इसको स्टेबल किया गया था, कि सरकार से संबंधित जो भ्रामक सूचनाएं हैं, फर्जी सूचनाएं हैं, फर्जी भाषण आ जाते हैं, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, जबाना है, तो उसको खारिज करने के लिए, उसको हटाने के लिए वर्ष 2019 में PIB के तहत FCU का गठन किया गया था। सोशल मीडिया पर फैलने वाली गलत सूचनाओं का मुकाबला करना, और इसका उद्देश्य था कि जो सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैल रही है उसका मुकाबला कैसे करेंगे और उसको हटाकर सही जानकारी प्रदान करना, यही इसका उद्देश्य था। अब केवल सरकारी योजनाओं, नीतियों और सरकार से संबंधित सूचना तक सीमित इसका कार्य सूचना का खंडन करना था, सही जानकारी सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों के जरिए साझा करना था। यह केवल सरकारी योजनाओं, नीतियों और सरकार से संबंधित जानकारियों तक ही सीमित था। इसका कार्य सूचनाओं का खंडन करना था, कि गलत सूचनाएं हैं उसको हम खंडित करेंगे, यह सही सूचना है उसको लाएंगे, और सही जानकारी सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्मों के द्वारा लोगों तक पहुंचाने के लिए 2019 में FCU फैक्ट चेक यूनिट का गठन किया गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कंटेंट हटाने या उसे हटवाने का निर्देश यह नहीं देता था, केवल भ्रामक जानकारी के सही तथ्य को उजागर करता था। यह जो था वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कंटेंट हटाने या उसे हटवाने का निर्देश नहीं जारी करता था, लेकिन केवल भ्रामक जानकारी के सही तथ्य को उजागर करता था। हटाइए न हटाइए इसका अधिकार नहीं था, लेकिन भ्रामक यह जानकारी है इसके बारे में यह जानकारी उपलब्ध कराता था। कार्रवाई की जिम्मेदारी प्लेटफॉर्म की होती थी, और यह जैसे फेसबुक पर आप कोई फर्जी समाचार चलाते हैं तो उस पर कार्रवाई फेसबुक करेगा, ट्विटर पर चलाएंगे ट्विटर करेगा, एक्स पर चलाएंगे एक्स करेगा, मतलब इसकी ये थी। लेकिन इसमें संशोधन करके इन तमाम अधिकारों को इसके साथ जोड़ दिया गया, उसी की आलोचना करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस नियम को खारिज कर दिया है। कि जो PIB की फैक्ट चेक यूनिट है, जो PIB फैक्ट चेक यूनिट 2023 में संशोधित नियम क्या थे, जो यह संशोधित नियम जो जैसे FCU को स्टेबल कर दिया गया 2019 में,
तो इसका उद्देश्य क्या था जो 2023 में इसको में अमेंडमेंट लाया गया, तो इसका उद्देश्य ही यह था कि संशोधन के तहत FCU को सरकार से जुड़ी फर्जी झूठी या भ्रामक जानकारी की पहचान करने, सोशल मीडिया जितने प्लेटफॉर्म है वो कंटेंट को हटाने के लिए निर्देशित करने का अधिकार देना था। अब इसका कार्यक्षेत्र क्या था, इसका कार्यक्षेत्र था सूचना खंडन तक सीमित नहीं था, सीधा हस्तक्षेप इसमें शामिल कर दिया गया। सूचनाओं का पहले जब 2019 में फैक्ट चेक यूनिट का गठन किया गया था तो उस समय यह गलत सूचनाओं को खंडित करना इसका काम था, लेकिन इसमें जब 2023 में संशोधन कर दिया गया तो इसके अधिकार को बढ़ा दिया गया और सूचना खंडन तक ही इसका काम सीमित नहीं हो गया, सीधा हस्तक्षेप शामिल हो गया और दायरा बढ़ाकर सरकारी कामकाज से संबंधित कर दिया गया, सभी प्रकार की सूचनाओं तक कर दिया गया। पहले सरकारी नीतियां काम जो होते थे उसी तक इसका दायरा सीमित था, लेकिन अब जब 2023 में इसको नया संशोधित रूप लाया गया, इसको और मजबूत बना दिया गया, तो जो इसका दायरा था, पैरामीटर था, उसको हटाकर किसी माध्यम से प्रकाशित हो कोई भी सूचना हो, इसमें सरकार से जुड़े सभी पहलुओं पर नजर रखे उन्हें फर्जी जानकारी घोषित करने की शक्ति दे दी गई थी। जो फैक्ट चेक यूनिट थी अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को ऐसी सामग्री हटाने के लिए बाध्य कर सकता है जो फर्जी झूठी या भ्रामक मानी जाएगी। मतलब फैक्ट चेक यूनिट के आधार पर जो सूचना है, फर्जी है, भ्रामक है, झूठी है, उसको अब हटाने का अधिकार भी फैक्ट चेक यूनिट के पास दे दिया गया था, लेकिन जब 2019 में FCU का गठन किया गया था तब उसके पास इतने अधिकार नहीं थे, उस समय यह अधिकार उस सोशल प्लेटफॉर्म के हाथ में था। यदि प्लेटफॉर्म ऐसा करने में विफल रहते हैं तो वे अपनी सुरक्षित बंदरगाह स्थिति खो सकते हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। विवाद कब हुआ, विवाद 2023 के संशोधन पर आलोचना यह हुई कि इससे सरकार को सूचना के सत्यापन और उसे हटाने की एकमात्र शक्ति प्राप्त हो जाती है जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ सकता है। अब जब 2023 में इसमें संशोधन कर दिया गया तो इसका विवाद यह उभर कर सामने आया कि सरकार अब सभी समाचारों को हटाने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी, जिससे वाक एवं अभिव्यक्ति की जो हमारी स्वतंत्रता है, जो मूल हमारा मूल अधिकार है, उसको बाधित होगा, उस पर निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। 31 जनवरी 2024 की बात है, 31 जनवरी 2024 को न्यायमूर्ति गौतम पटेल और नील गोखले ने विभाजित निर्णय दिया, और तब विभाजित निर्णय मतलब दोनों ने इस पर अलग अलग निर्णय दिया तो कोई बहुमत पारित हो ही नहीं पाया, तब इसमें तीसरे जज को शामिल किया गया। तीसरे जो जज शामिल हुए अतुल चंदूरकर, इन्होंने संशोधित नियमों को अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1)(g) मतलब व्यवसाय की स्वतंत्रता का उल्लंघन माना। जब तीसरे जज की एंट्री हुई, पहले दो जजों की बेंच में था, दोनों ने अलग अलग फैसला सुनाया, किसी का बहुमत नहीं हो पाया, तब इस फैसले पर कार्रवाई के लिए, सुनवाई के लिए एक तीसरे जज अतुल को उसमें शामिल किया गया और तब इन्होंने अपना निर्णय दिया और इन्होंने कहा कि जो इसमें अनुच्छेद 14 है स्वतंत्र समानता का अधिकार, इसका भी उल्लंघन हो रहा है, अनुच्छेद 19 वाक्य और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, इसका भी उल्लंघन हो रहा है, अनुच्छेद 19(1)(j) जिसमें व्यवसाय की स्वतंत्रता का उल्लंघन इसमें इसको माना। फर्जी गलत और भ्रामक शब्द काफी अस्पष्ट है, आप किसको फर्जी मानेंगे उसकी परिभाषा को आप बताइए, कौन से न्यूज भ्रामक है उसकी परिभाषा को बताइए, ये जो शब्द है यह काफी अस्पष्ट है, परिभाषा के बिना गलत इस्तेमाल की इसकी संभावना हो सकती है, लोग अपने अपने तरीके से इसको परिभाषित करके इसके गलत प्रयोग को करेंगे जिससे हमारा मूल अधिकार चाहे वो 14 हो, 19 हो, चाहे 19(1)(g) हो, यह निश्चित रूप से नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। उसके बाद न्यायालय ने कहा कि ये नियम सोशल मीडिया के मध्यस्थों पर चिलिंग इफेक्ट डाल सकते हैं और यह जो नियम है वह सोशल मीडिया पर चिलिंग इफेक्ट डाल सकते हैं। तो आपने देखा कि जो 2019 में FCU का गठन किया गया था उसकी शक्तियों को बढ़ाकर सरकार ने 2023 तक उसकी शक्तियों को काफी बढ़ा दिया, उस पर चिंताएं जाहिर होने लगी। चिंताओं के क्रम में बॉम्बे हाईकोर्ट का यह जो निर्णय आया है वह इनके संशोधन को गलत ठहराया है और वह जो फेक न्यूज से संबंधित जो नियम 2023 अप्रैल में संशोधित किया गया था उसको खारिज कर दिया गया है। ये रहा चर्चा का विषय, आपको यह हमारी वीडियो सेशन कैसा लगता है जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो इल्मी क्लासेस चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।